आई एम फियर ऑफ माय ओपिनियन। मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच के आया हूँ, मेरी बात ही करूँगा, पता नहीं लोग मेरी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या देंगे या नहीं देंगे। वो सोच रहा होता है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं वाकई में इतना अच्छा हूँ कि लोगों को मुतासर कर सकूँ। वो इस तरह की बातें बार बार, इस तरह के मुख्तलिफ फियर्स जो है ना, वो अपने जहन में ला रहा होता है, डर और खौफ को जगा दे रहा होता है, नतीजे में हेजिटेशन होता है। अब ऐसे शख्स को जानने का एक ही तरीका है, बुलावा आए, अगर वो धीमे धीमे कदमों के साथ स्टेज पर पहुंचे और अपनी बात खत्म करके दौड़ता भागता वापस जाए तो समझ लें कि इसमें दम नहीं था, इसने वक्त पूरा किया, इसने सिर्फ वक्त पूरा किया है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे पास वर्ड्स हों, जो बातें हमने की थी मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद दो तीन मिनट मेरे पास बचे हैं, एक एक्टिविटी और भी है। वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए, अल्फाज का ज़खीरा हमारे पास होना चाहिए, वो मुताले से आएगा, उसके साथ साथ हमारे वॉइस में अप्स एंड डाउन होने चाहिए, इंटोनेशन होना चाहिए, फीलिंग्स का टच उसमें आना चाहिए। ठीक है जी, बात करते हुए हाथ हिलाने ना तो फ्री हाथ हिलाए, चलना है तो चले, अपने फेस एक्सप्रेस देने हैं तो दें, मत सोचेंगे क्या हो रहा है, और एक गेम को देखें। मैं तो हमेशा करता हूँ कि लोगों के सामने जो बोलने आता है ना, उसकी सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए उसे सीलिंग फैन नहीं बल्कि पेडेस्टल फैन बनना हो, तो पेडेस्टल फैन भी तो होता है ना, सबको बताएगा, हमने सबको कहना होता है सुनो मुझे, मैं आपको सुनाने आया हूँ, खबरदार जो तुम्हारी नजरें इधर उधर कहीं, एक एक शख्स को देखें, उसे बताएं सुनिए पंखे की तरह ये चल रहा है ना, फिक्र एक ही जगह पता है, बस ये स्ट्रेंथ हो जाती है, हम लोगों से बात करने आते हैं, बस एक ही जगह पर ना जोर से माइक पकड़ लिया, जैसे छुड़ा के बांध जाएगा, इतना जोर से माइक को कस के पकड़ा हुआ होता है, बचाता है, बोलने वाला आता है तो शराबूर होता है पसीने से, और वो लटकाना होता है, परेशान हो रहा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी लैंग्वेज हमारा इंस्पायर करता है लोगों को, एतमाद नज़र आता है कि जी बड़ा ज़बरदस्त बातें करता है। और आगे चल के हमने फिर क्या पढ़ा कि जी जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठंडे से जूस के पास हो, सही और दुरुस्त मिसालें देकर बात करें और अपने आप पर उबूर हो से कि जी मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता लेकिन आई कैन डू दिस, और उसके साथ साथ उसके पास अवेयरनेस हो विद इन द चेंज ऑफ सिचुएशंस ही कैन गो विद देम। ठीक है, वो मुझे पता हो कि जी मुझे क्या करना है यहाँ पर, और साथ में वो जो फियर होप डर ये वाली जो बातें हैं वो सर नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, एक छोटी सी उर्दू की नजम सुनाने जा रहा हूं, फिर हम सब मिलकर खड़े होकर पढ़ें। ठीक है जी, अल्फाज मेरे गौर से एक ही दफा कहूंगा, सुन लीजिएगा। चना, चना देखा है ना, छोले जिसे बोलते हैं, बात है सुन ले अच्छे से, चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया, अरे चना मैंने बोया, तुमने बोया, सबने बोया, बोलिया अब काटना है तो चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा, अरे चना मैंने काटा, तुमने काटा, सबने काटा, अब काट लिया अब खाएंगे, तो फिर चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया, अरे चना मैंने खाया, तुमने खाया, सबने खाया, अरे ठीक है। लेकिन यकीन जानिए अगर हम सब मिलकर इसे पढ़ पाए ना तो शायद हमारी आवाज बाहर चलते फिरती गाड़ी और अच्छा तक जाए और रुक सके। ठीक है, अच्छा अच्छा नहीं जी, अच्छा मैं मिश्रा एक दफा पढ़ के सुना रहा हूँ, तरंग के साथ कुछ इस तरह से होगा, और थोड़ा हिलना है अपनी जगह पर और हाथों को भी चलाना है। ठीक है जी, चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, चना मैंने बोया, तुमने बोया, सबने बोया रे। नहीं ठीक है, अभी अभी ये मिसाल दी, आप हिल नहीं रहे हो, देखें ये एग्जाइटी फियर डर खौफ शर्मिंदगी निकाई यही फियर है जो हमें काम करने नहीं दे रहा। स्टूडेंट और टीचर शुड ऑलवेज बी एक्टर्स, ये तो एक्टिंग है ना, ये तो करना है हमें, कैसे पहनाएंगे पहुंचाएंगे कल हम अपने बच्चों को, जब वो बच्चे बीमार हो परेशान हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को रिलैक्स करने के लिए हमें ये सब कुछ करना होता है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। चना किसने बोया, किसने बोया, किसने
मेरे पापा तुमने पापा सब अरे चना किसने खाया किसने खाया किसने खाया रे चना मेरे खाया तुमने खाया सब खाया रे। इस सलाम का बहुत शुक्रिया। आखिर में बैठ जाए बहुत शुक्रिया। आखिर में एक शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा अधिक सॉफ्टवेयर हाउस का, क्योंकि इनके साथ मेरी मुलाकात चंद ही दिन पहले हुई है। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो उसके कोर मेम्बर सर मोहन साहब खुद हैं, सर अब्दुल कयूम साहब हैं और सर जुनेद साहब हैं। फिर शायद तीनों के मशवरे से उन्होंने मुझे शामिल करना चाहा, मेरे साथ जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा था कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी दे दी है एजुकेशन को। एजुकेशन सर्टिफिकेट काम है प्रोग्राम है तो मेरी सर्विसेज हमेशा आपके साथ हैं और मुझसे जितना बन पड़ेगा कि आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन बाद में फिर सर उन्होंने साहब का और उनके बाकी टीम मेम्बरान का मैं मशहूर हूँ तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें चौथे मेम्बर की ज़रूरत है और वो कोर मेम्बर आप हमारे बन रहे हैं और हम आपको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं इस टीम का हिस्सा ठीक कर गया हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग से रिलेटेड या इस तरह की जितने भी हमारे सेगमेंट्स बदीन सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से होने जा रहे होंगे, चाहे वहाँ बदीन में हों कहीं और हों, वहाँ पर ये लोग मुझसे जो भी सर्विसेज चाहेंगे या उनका अवेलेबल हैं, कोई मशवरा कोई बात हर जगह पर हर मौके पर बच्चों की तालीम तरबियत के लिए मैं कोशा रहूँगा और बदीन सॉफ्टवेयर हाउस का हमेशा एक हिस्सा रहूँगा।